एक बहुत बड़े राजा बड़ी भारी सेना को लेकर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की ओर जा रहे थे। रास्ते में बड़ा विशाल वन प्रांत एकांत बालुका ही बालुका चारों ओर एक परमहंस संत अपनी मस्ती में निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूं। कहां कौन कैसा ना मैं पूछता हूं। खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे मिसाले भंवर हो के मैं गूंजता हूं। गुजस्ता जमाने में थे कर्म जितने उन्हें ज्ञान होली में मैं फूंकता हूं। न जीने की इच्छा न मरने की चिंता कजा से निडर होके मैं घूमता हूं। मिली हैं जिनसे ये बेहद निगाहें पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता हूं। हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी फकीरी खजाने को मैं लूटता हूं। सैनिकों ने कहा हटो एक तरफ, राजा साहब आ रहे हैं। बादशाह हैं, आप रास्ता छोड़ो। महात्मा बोले उनसे कह दो कि शहंशाह पड़ा है, हम क्यों हटें, हम तो उसके रास्ते में गए नहीं, वही हमारे रास्ते में आया। अब सैनिक ने सेनापति से कहा, सेनापति ने बड़े अधिकारी से कहा, अधिकारी ने बादशाह से कहा कि एक विचित्र व्यक्ति है जिसके पास साधन की दृष्टि से तो कुछ नहीं है पर ऐसा लगता है कि साधना की दृष्टि से सब कुछ है। हिल भी नहीं रहा अपनी जगह से और यह कहता है कि वो अगर बादशाह है तो मैं शहंशाह हूं। बादशाह स्वयं गया, आप शहंशाह कैसे? महात्मा ने कहा तुम बादशाह कैसे? बादशाह ने कहा कि मैं कई देश जीत चुका हूं, अब कहां जा रहे हो? एक देश और बचा है उसे जीतने जा रहा हूं। अच्छा, उस देश को जीत लोगे फिर क्या करोगे? बादशाह ने कहा बस वह देश बचा है उसे जीत लूं फिर आराम से सोऊंगा। महात्मा बोले तुम तब सोओगे, हम अभी सो रहे हैं। तुम तब सोओगे, हम अभी सो रहे हैं और तुम शायद सो भी ना पाओ। सुख से सोने की कल्पना करते करते सदा सदा के लिए सो जाओ और अभी तो तुम इच्छा की पूर्ति की यात्रा में जा रहे हो और इच्छा की पूर्ति की यात्रा करने वाला पथिक कभी विश्राम नहीं पाता। बादशाह चरणों में गिर गया। महाराज हमें कुछ दो। महात्मा बोले तुम्हें दिख क्या रहा हमारे पास, लेकिन हमारे पास कुछ ना हो और तुम्हारे पास सब कुछ हो तो तुम्हारे राज्य की कीमत कितनी है जानते हो? मान लो इस रेगिस्तान में तुम अकेले हो और तुम्हारे साथ कोई ना हो, न सैनिक न सेनाएं, और तुम्हें प्यास लगी हो और मेरे पास एक लोटा पानी हो और तुम प्यास से तड़प रहे हो, प्राण जा रहे हो, तो वह एक लोटा पानी मांगोगे अवश्य, और मैं कहूंगा कि इसकी कीमत क्या दोगे तो क्या दोगे तुम? उसने कहा कि मैं हजारों दूंगा, लाखों दूंगा, करोड़ों रुपए दूंगा। महात्मा बोले तुम तो दोगे करोड़ों रुपए पर हम वो पानी दें तब तो? और मान लो करोड़ों रुपए देने पर भी हम वह एक लोटा पानी ना दे तब क्या करोगे? राजा बोला मैं आधा राज्य दे दूंगा पर पानी पीकर प्राण बचाऊंगा, आधे राज्य में बाद में सुख भोग करूंगा, जब मैं ही नहीं रहूंगा तो राज्य क्या? अरब खरब लो द्रव्य जो उदय अस्तलों राज और तुलसी जो निज मरण है तो आवे के ही काज। इसलिए मैं आधा राज्य दे दूंगा
महात्मा ने कहा कि मैं आधा राज्य देने पर भी तुम्हें एक लोटा पानी न दूं, तब वह व्यक्ति बादशाह कहने लगा कि मैं अपना पूरा राज्य दे दूंगा पर एक लोटा पानी पीकर जीवन बचाऊंगा। तो महात्मा बोले, पूरा राज्य दे दोगे एक लोटा पानी पीने के लिए? हाँ बिल्कुल दे देंगे। महात्मा बोले, तो तुम्हारे इतने बड़े राज्य जिसका तुम अभिमान कर रहे हो, उस राज्य की कीमत कितनी? एक लोटा पानी। इतने बड़े राज्य की कीमत एक लोटा पानी, और उस पर तुम बने हो अभिमानी। महात्मा के चरणों में गिर गया बादशाह कि आज मुझे साधु की महिमा समझ में आ गई। तो बादशाह और शहंशाह जो बाहर के सिंहासन पर बैठा हो, सबको जीतकर, सब राज्यों को जीतकर जो सोने के सिंहासन पर बैठा हो वह बादशाह है, लेकिन जो अपने मन की समस्त वासनाओं को जीतकर स्वरूप सिंहासन पर बैठा हो वह शहंशाह है।